Hello, one and all. This is Shaba Safi, your maths teacher of class 8. Today we are going to discuss the topic rational number of exercise 1.3. The date is 12 April and this is your video number 4. The first topic is additive inverse. So what is additive inverse? पहले ही मैंने आपसे डिस्कस किया था, एडिटिव इन्वर्स वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर को ज़ीरो के इक्वल ला देता है, ठीक है। सपोज़ मैंने अगर लिया है इफ़ आई हैव टेकन सिक्स, तो इसमें मैं क्या ऐड करूं दैट इट विल बिकम ज़ीरो, ठीक है। तो मैं क्या ऐड करूंगा, माइनस सिक्स प्लस माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो डैट इज़ योर एडिटिव इन्वर्स। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक का है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको करना है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स आपने निकालना है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर -6/13। तो फर्स्ट यू नीड टू कंसिडर द रेशनल नंबर, द रेशनल नंबर इज -6/13। तो -6/13 वॉट नंबर शुड बी एडेड in this number so that your answer will become 0. So you will add 6/13. क्या आपने ऐड किया है 6/13? तो 6/13 इज योर आंसर, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। नाउ एडिशन ऑफ द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में अगर हम एडिशन करेंगे तो कैसे करते हैं? दो टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप इज़ व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इज सेम। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो बहुत इजी होता है। आप सपोज 1/2 प्लस 3/4 अगर करेंगे, 3/2 करेंगे सॉरी, तो आपका रेशनल जो डिनोमिनेटर है वो सेम है 2, सिंपल ऐड कर देना है, दैट इज़ 4/2 विल बी योर आंसर, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है देन यू नीड टू टेक द एलसीएम। सपोज 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम लीजिए 2 और 3 का, 2 1 2, 3 1 3, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6, 2 3 6, 3 प्लस 2 दैट इज़ 5/6। तो एलसीएम लेकर करते हैं और बेस सेम करके कर देते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सम। तो अगर हम सम निकालें, -4/23 प्लस 6/23, इसको सही कर लेना नंबर, दिस इज़ 23, -4/23 और 6/23, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों का क्या आएगा 23, बहुत सिंपल है 23, -4 प्लस 6 एज इट इज़, तो कितना हो जाएगा 2/23 विल बी योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका सेकंड टाइप वाला है, जिसमें आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लीजिए पहले 5, 6 और 15 का, देन एलसीएम लेने पर आपका आंसर आएगा 30। डिनोमिनेटर में आप 30 रखिए, फिर इसको सॉल्व करिए, 5, 6, 30, 4, 6, 24, 10, 3, 30, 3, 7, 21, 15, 2, 30, 6, 2, 8, 16 नेगेटिव का, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 29 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी दो टाइप के ही हैं, जिसमें अगर आपका इफ़ द डिनोमिनेटर इज़ सेम, अगर रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम है तो आप सिंपल उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, जैसे प्लस किया था वैसे ही माइनस कर देंगे, और अगर डिफरेंट है तो आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे उसको। तो देखिए मैंने ये एक सॉल्व किया है आपके लिए, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 5/8 फ्रॉम 3/8, 3/8 में से 5/8 माइनस करना है, तो बहुत इजी है, दोनों जो है डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो डिनोमिनेटर में लेना है 8 और 3 - 5 आपका 2 हो जाएगा माइनस में, और इसको कैंसिल आउट करेंगे 2/8, 2 1 2, 2 4 8, तो आपका 1/4 आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, होमवर्क में नहीं लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, जो जो क्वेश्चन में आपके पार्ट बचे हुए हैं वो सारे आपको होमवर्क कॉपी में, अपनी कॉपी में साथ साथ करते रहना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं
हाँ बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।